Good morning. Namaste. जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा. सत श्री अकाल. अच्छा, मैं आशा करता हूं कि 50% आपने नहीं सुना होगा जो भाई जी ने बोला, नहीं तो आपका एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगा. अच्छा, हाँ सब सुन रहे नहीं सुन रहे? सुन रहे नहीं सुन रहे? हाँ, मैं बोल भी नहीं रहा हूं तो आप कैसे सुन सकते हैं, क्योंकि बोलते बोलते भी मैं और कुछ सोच रहा हूं. तो आप भी सुनते सुनते और कुछ सोच रहे, परंतु कोशिश करना है, वो होना तो है ही है. हाँ, 100% हम उन विचारों से दूर नहीं हो सकते, परंतु जितने कम हो अच्छा है, आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकेंगे. और उसके लिए क्या करना चाहिए, पूरा ध्यान से सुनो, है ना, दोनों आंखें फोकस हो. यहां वहां नहीं देख रहे, बहुत कुछ होगा यहां, वो अपने आप मैनेज करेंगे ना, आपको यहीं पर अटेंशन देना है. और सबसे अच्छी बात है कि पीछे क्या कहा, भी 2 मिनट पहले क्या कहा था, उसको भी याद करने की कोशिश करो, तो आपका ब्रेन टोटली उसमें इन्वॉल्व होगा. वो टोटली इन्वॉल्व होगा तो ज्यादा फायदा होगा. और एक अच्छी चीज है कि इसको फील भी करिए, जो बातें हैं उसको फील करने की कोशिश करेंगे तो भी अच्छा है. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, तो ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है. चाहे तो आपको प्रेजेंटेशन भी दे देंगे, हमारे अजीत भाई है डिपार्टमेंट में, ऑफिस में उनको आप मिलना तो आपको ईमेल कर देंगे ना, तो ये मटेरियल तो मिल जाएगा. और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो चाहे तो थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं. और जैसे कहा भी, बीच बीच में ताली बजानी है. क्यों पता है? हाँ भी, मुझे खुश करने के लिए नहीं. हाँ अच्छा, बहुत अच्छा. एक तो कुछ लोग सो गए तो जाग जाएंगे, हाँ वो तो नेगेटिव बात है, परंतु पॉजिटिव बात नहीं, इसका पॉजिटिव पहलू भी है. पॉजिटिव पहलू यह है कि बहुतों का मन यहां वहां चला गया होता है, और कोई विचार आ गया होता है, क्योंकि कहते हैं कि भी मन मर्क्यूरी जैसा है, भी मर्क्यूरी को संभालना मुश्किल है ना, ऐसे मन को भी संभालना मुश्किल है. इसलिए अगर ताली बजेगी ना तरे में तो यहां हूं, नहीं तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, बॉम्बे पहुंच जाएंगे. समझ गए? अच्छा ओके, स्टार्ट करें, जवाब भी नहीं देते. अच्छा, ये विषय को दो रीति से ले सकते हैं. एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम थोड़ा है, तो उसको दो प्रकार से हम पूरा समझ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं. एक तो सुपरफिशियल तरीके से, और दूसरा है कि उसको डीपली समझे, है ना, इसकी गहराई में जाए. आपको क्या चाहिए? सुपरफिशियल चाहिए, गहराई में? श्योर, ओके. हाँ तो ध्यान देना पड़ेगा, भी गहराई में जाना है तो थोड़ा ऊपर से भी जाएगा, वो अंदर जाए इसके लिए जरूर ध्यान देना. हाँ, वंडरफुल. हाँ, इलिक्सर का मतलब क्या? इलिक्सर मतलब हाँ क्या? नहीं मालूम, बोलो बोलो क्या? अमृत. कहते इलिक्सर ऐसी चीज है कि जिससे हमारी मृत्यु हो ही नहीं. मानव सदियों से ऐसी कोई दवाई को ढूंढ रहा है कि जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो ही नहीं ना. यह शरीर तो मरने ही वाला है, परंतु ऐसा कुछ हम करें कि हमें लोग सदियों तक याद करें. अमिताभ बच्चन ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, उन्होंने कि लोग मुझे तो भूल जाएंगे, मेरी मृत्यु होगी 50-100 साल में लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मेरे पिता को लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी रचनाएं की है कि उन रचनाओं के आधार से शायद सदा के लिए मेरे पिता को लोग याद करेंगे. तो बस देखो, यही बात है कि ऐसा प्यार, जब सचमुच रियलिटी में प्यार हमें आता है, सिर्फ अपने प्रति प्यार नहीं, परिवार के प्रति प्यार नहीं,
सारे यूनिवर्स के प्रति जब हमारे में प्यार जागृत होता है, इस यूनिवर्स के एक एक एटम के प्रति जब हमारे में प्यार जागृत होता है, तो हम ऐसा कुछ कर जाते हैं कि आप इमॉर्टल हो जाएंगे। इसलिए सचमुच लव इज एलिक्सर ऑफ लाइफ। इस जीवन में तो मदद करेगा ही करेगा, परंतु आप एक प्रकार से देखें तो लोगों के दिलों में इमॉर्टल हो जाएंगे। एक प्रसिद्ध कवि को किसी ने पूछा, जीवन कहाँ है? तो उन्होंने कहा, हमने इसे विवेक में खो दिया है। वी हैव लॉस्ट इन विस्डम। विवेक कहाँ है? हमने ज्ञान में इसे खो दिया है। We have lost in knowledge. ज्ञान कहाँ है? इसे हमने जानकारी में खो दिया है। We have lost in information. तो आज हमारे बच्चों के पास हमारे से भी बहुत ज्यादा information है, परंतु ज्ञान की कमी है और विवेक तो है ही नहीं। सच्चे अर्थ में जीवन जीना है सचमुच, या तो प्यार को भी जागृत करना है तो विस्डम को धारण करनी। मैं करीब 45 वर्षों से ऐसी बातों को पढ़ता हूं, और अब मुझे कोई पूछे कि भी जीवन में एक चीज बता दो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, बहुत कुछ कर सकते परंतु सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या समझते हैं, इतने सारे सालों में आपने क्या सीखा, तो जवाब होगा कि विस्डम को एक्वायर करते जाओ। क्योंकि जितना वो है ना, ट्रांसलेट करना मुश्किल है, इसको कहेंगे प्रज्ञा, है ना। विवेक भी एक परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है कि प्रज्ञा को बढ़ाते जाए हम, क्योंकि जितना प्रज्ञा को बढ़ाते जाएंगे वो मृत्यु के बाद भी आपके साथ चलेंगे। हाँ, बहुत सारे उदाहरण है। आदि शंकराचार्य के बारे में कहते कि 4 साल का था ऐसे जवाब देता था, बात मत पूछो। हाँ, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर के लिए कहते। तो ये आत्माएं उस प्रज्ञा को, वो पिछले जन्म की बात थी, 4 साल के बच्चे ने क्या सीखा, है ना। वो आत्मा उस विस्डम को लेकर के आई है, और इसके कारण वह बातें ऑटोमेटिक उनमें हो गई। तो बस, है ना, हम सब जानते कि पैसे साथ नहीं चलेंगे, परंतु साथ चलना है या विस्डम साथ में चलनी है, तो बस उसको एक्वायर करना। और आज भी आप कुछ विस्डम को धारण करेंगे, पूरी कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। जीवन का लक्ष्य भी यही रखा जाए तो बेस्ट है। सच्चा लव क्या करता है, कहते जादू क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स मिरेकल्स। आज जो बहुत सारी बीमारियां हैं, ऑलमोस्ट 70%, एक तो सब फिजिकल डिजीज और साइकोलॉजिकल डिजीज, मेजॉरिटी ऑफ फिजिकल डिजीज और सारे के सारे साइकोलॉजिकल डिजीज, उसका कारण है कि कहीं ना कहीं कहेंगे कि साइकोलॉजिकल वुंड्स है ना? किसी ने आपके साथ अन्याय किया, किसी ने विश्वासघात किया ना, माँ बाप ने प्यार नहीं दिया, और कोई ऐसी बात हो गई जीवन में, तो ये जो सारे साइकोलॉजिकल वुंड्स है वही आपको डिप्रेशन ला रहे हैं और मानसिक बीमारियां ला रहे हैं, यहां तक कि फिजिकल डिजीज भी। कहते हैं कि जो कैंसर होता है उसके और भी कारण है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही कारण है, कैंसर या और कोई भी बीमारी होने के और भी कारण है,
परंतु ये एक महत्वपूर्ण कारण है ना। ये माना गया हेंसेल कि जिन्हें फाउंडिंग फादर कहा गया है स्ट्रेस रिसर्च के, तनाव के बारे में जो अनुसंधान हुए हैं उन्हें उनका फाउंडिंग फादर माना गया है। उन्होंने कहा है कि कैंसर इज बिकॉज ऑफ अ स्टेट ऑफ नॉट फॉरगिविंग समवन। जब आप किसी व्यक्ति को माफ नहीं कर पाते और उसके कारण जो फीलिंग अंदर में पनपती है उससे कैंसर भी हो सकता है। मैंने आपको कहा कि मैं करीब 9वीं कक्षा में था तब से ऐसी किताबें पढ़ रहा हूं और मेरे शुरू के दो ऑथर्स है, एक तो था डेल कार्नेगी, आपने भी कईयों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने किताब लिखी थी स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट एंजॉयिंग लाइफ, दूसरी थी हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, और दूसरे थे कि जिन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी, उन्होंने साइकोलॉजी का पढ़ लिखा है, और जो उन्होंने जो चीजें लिखी उसके अंदर ये बात पूरी आती थी कि भी लव इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होती है। उनका नाम है डॉक्टर वैन डायर, आपने भी सुना होगा, अभी अभी उनकी मृत्यु हुई है, बहुत अच्छा लिखा है, वंडरफुल। उन्होंने खुद कहा जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्हें कैंसर हुआ, तो जाते जाते उन्होंने यह बात कही कि शायद मुझे कैंसर हुआ क्योंकि मेरे मैरिजेस फेल हुए, उनके 3 मैरिज फेल हुए। तो उन्होंने कहा कि मे बी इट इज बिकॉज ऑफ माई फेल्ड मैरिजेस दैट आई गॉट कैंसर। समझ रहे? सो इट कैन कॉज एनीथिंग। इसलिए भी इस बात को अच्छे से समझना है। और जब हम स्नेह की, प्यार की बात करते हैं तो आज जो हम समझते हैं ना वो एग्जैक्टली अपोजिट है। हम कहते हैं फॉलिंग इन लव, एक्चुअली वी शुड हैव बीन टॉकिंग अबाउट राइजिंग इन लव। फॉलिंग इन लव ठीक है क्योंकि आज जो है ना वो तो फिजिकल है, क्योंकि यह फिजिकल है, हाँ कोई भारी चीज है वो नीचे आएगी गिरेगी, तो इसलिए क्योंकि आज का प्यार भारी है तो गिरते हैं लोग। एक्चुअल लव है वो तो हल्का है, वो तो कहेंगे रूई से भी हल्का है, तो उससे तो क्या होगा, बोलो बोलो, राइज करेंगे है ना, गिरेंगे नहीं। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड। और जहां सच्चा प्यार है ना वहां डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, वहां क्रोध भी नहीं है। अब देखो क्रोध के बहुत सारे कारण हैं, कहेंगे ना कि भी जो मेरे प्यारे हैं वही मेरी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे, इसके कारण गुस्सा आता है, भी दूसरा व्यक्ति नहीं करे कोई बात नहीं। परंतु जब आप रियल प्यार को समझेंगे तो वहां तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, जब एक्सपेक्टेशन नहीं है तो एंगर नहीं है। जो सच्चा प्यार है वहां कुछ लेना नहीं है, वहां तो देना ही है, देना ही है, देना ही है, और जहां देना है वहां डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है। करेक्ट, यस और नो, बोलो जवाब देना। क्यों मालूम है? जिनका ध्यान यहां वहां चला गया उनको लगे अरे भाई ये सुनना है हमको, अभी यहां है, दिल्ली में नहीं है, बॉम्बे में नहीं है, राइट। अब भगवान भी हमको सच्चा प्यार सिखाना चाहता है। कई बार मन में आता है ना कि भी ऐसे लोग क्यों मिले जीवन में, ऐसे बेकार लोग क्यों मिले, बचपन में भी ऐसे दोस्त मिले, शादी हुई तो भी ऐसा व्यक्ति मिला कि जिसको प्यार की एबीसीडी भी मालूम नहीं। क्यों? क्यों?
क्योंकि भगवान ने ऐसे लोगों को इसलिए भेजा क्योंकि वह हमें प्यार क्या है वो समझा सके। आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि पैसे की वैल्यू किसको होती है, जो गरीबी में बड़ा हुआ है, नहीं ना? जिसने गरीबी देखी है उसको पैसे की वैल्यू का पता है, है ना? जिसने दुख देखा है उसको सुख का आनंद ज्यादा आएगा। तो ऐसे कि भगवान ऐसे लोगों को क्यों हमारे जीवन में भेजता है, क्योंकि तब ही हम सचमुच प्यार क्या है उसको समझ सके। और एक बात सर, टॉपिक से थोड़ा हट करके है, परंतु जब भी कोई ऐसी बात आती है तो मन में यह विचार आता है कि भी ऐसा ही क्यों, मेरे जीवन में क्यों हुआ। एक महिला को जो बच्चा हुआ वह एक मंगोल चाइल्ड था। आप जानते बड़ा सा सर होता है, सब नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, बहुत डिफिकल्ट है इनको बड़ा करना। जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी ने पूछा कि आपको टेंशन नहीं होता है, आपको दुख नहीं होता है कि भगवान ने ऐसा बच्चा दिया? तो उनका नहीं, नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा दुख नहीं होता है ना, मुझे टेंशन नहीं होता है। तो दूसरा प्रश्न, क्यों? तो उन्होंने कहा भगवान को मालूम था कि मेरे में कैपेसिटी है कि इसको मैं पाल सकती हूं। ना इसीलिए भगवान ने भेजा मेरे पास। तो ऐसे ही कोई कहेंगे कि डिफिकल्ट व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए, हाँ तो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? क्योंकि भगवान को मालूम है कि मेरे में कैपेसिटी है, वो ये सत्य है। कभी टाइम मिलेगा आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बस ये अंदर में एक बिलीफ सिस्टम होगी तो जब ऐसे लोग भी आए आपको कोई टेंशन नहीं होगा। वो रियल क्या है ना, स्पिरिचुअल लव क्या है, स्पिरिचुअल लव जो रियल लव, अभी ये रियल लव को आपको डेवलप करना है ना, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, स्टार्टिंग में क्लियर हो गया कि प्यार का फिजिकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, नो इट इज समथिंग इंटरनल। और तभी है ना एक्सपेक्टेशंस नहीं आएंगे, जब इसका रिलेशन हम फिजिकल एस्पेक्ट के साथ करेंगे तो एक्सपेक्टेशंस आएंगे, और वो फुलफिल नहीं हुए तो डिप्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा। परंतु सचमुच जो सच्चा प्यार है वो अंदर है। हाँ, पानी का मूल गुण कैसा है, पानी गर्म है या ठंडा? ठंडा। परंतु पानी को अग्नि पे रख दो आधा घंटा तो क्या होगा, फिर उसको दूर अग्नि से दूर कर दो 5 घंटा, क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। पानी को तो ठंडा होने में 5 घंटे लगेंगे, उसका जो मूल गुण है उसको धारण करने में 5 घंटे लगेंगे। ऐसे ही आत्मा का मूल गुण है शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता। परंतु आत्मा जब शरीर के संपर्क में आती है, जब हम यह समझते हैं कि मैं ये शरीर हूं, तो वह शरीर का गुण धारण कर लेती है। जैसे पानी ने अग्नि का गुण धारण कर लिया क्योंकि अग्नि गर्म है, तो ऐसे आत्मा भी यह शरीर के गुणों को धारण कर लेती है। और शरीर का गुण क्या है, शरीर भारी है, ठीक है ना, शरीर नाशवान है, शरीर टेम्पररी है, ठीक है ना, तो वह यह सब चीजों को धारण कर लेती है। परंतु पानी को तो ठंडा होने में 5 घंटे लगेंगे, परंतु आत्मा के मूल गुणों को अनुभव करने में 5 सेकेंड ही लगेंगे। बस ये रियलाइजेशन हो जाए कि आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। हम अधिकतर यह सोचते हैं
कि मैं यह शरीर हूं और कभी कभी मुझे आत्मिक अनुभव भी होते हैं। कभी मेडिटेशन करते हैं, कोई आश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हमें स्पिरिचुअल अनुभव होते हैं। परंतु सत्य बिल्कुल इससे विपरीत है कि आप एक पवित्र आध्यात्मिक ऊर्जा है कि जो कभी कभार भौतिक अनुभव भी करती है। या तो कहेंगे कि मैं एक स्पिरिचुअल ऊर्जा हूं कि जो आवश्यकता पड़ने पर इस शरीर का उपयोग कर रही हूं, कि जैसे मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं, है ना, जरूरत पड़ने पे दिन में 2-4 बार मैं हाथ में इंजेक्शन लेता हूं और पेशेंट को लगाता हूं, है ना, तो मैं इंजेक्शन नहीं हूं, है ना, मैं स्टेथोस्कोप नहीं हूं, ये आवश्यकता है तब उसका यूज करके करता हूं, नहीं तो उसको साइड में रख देता हूं। तो बस ऐसे ही मैं वह पवित्र प्रेम स्वरूप आत्मा हूं कि जो कभी कभी ये पैर का उपयोग करती हूं, कभी कभी हाथों का उपयोग करती हूं, आंखों का उपयोग करती हूं। जब पूरा हो गया तो पूरी तरह से डिटैच। मेरी तरह जो लोग चश्मे पहनते हैं, है ना, सोते समय आप सोचते हैं कि 16 घंटे से चश्मे पहन के रखे, अभी क्यों निकालूं, विचार आता है, हाँ, ऑटोमेटिक निकाल के साइड में रख देते हैं। तो बस ऐसे ही सच्चे प्यार को अनुभव करना है, शांति पवित्रता को अनुभव करना है, तो जब आवश्यकता है आंखों का उपयोग किया, नहीं तो उससे डिटैच। जरूरत है कान का उपयोग किया, नहीं तो उससे पूरी तरह से डिटैच। और वो भी उसका सही उपयोग करना है, है ना। एक्चुअली चश्मे क्यों पहनने पड़ते हैं, हाँ बताओ, चश्मा क्यों पहनना पड़ता है, क्योंकि जो चीज जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती है, है ना, छोटी दिखती है, दूर का नहीं दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, तो चश्मे पहनो। तो ऐसे ही आज क्या हुआ है कि आध्यात्म रूपी चश्मा क्यों पहनना है, है ना, मेडिटेशन भी कहेंगे एक चश्मा है, स्पेक्टेकल्स है, उसको पहनना है रोज, क्यों, क्योंकि आज आत्मा चीजें जैसी है वैसी देख नहीं रही। और सच है, हाँ, कि भी आज जो चीजें जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती है। पृथ्वी कैसी दिखती है, पृथ्वी कैसी दिखती है, हाँ कैसी दिखती है बोलो, अरे ये तो प्राइमरी स्कूल का प्रश्न है, फ्लैट दिखती है ना, पर फ्लैट है, हाँ फ्लैट है, नहीं है। कोई व्यक्ति सवेरे से शाम तक सूर्य को देखता रहे तो क्या निर्णय पर आएगा, क्या निर्णय पर आएगा, जिसको साइंस का पता नहीं कि सूर्य पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहा है, हजारों वर्ष तक यही मान्यता थी। जिसने बोला पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती उसको तो फांसी दे दी गई। परंतु आज हमको पता है कि यह सत्य नहीं है, है ना, पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। तो ऐसे चीजें जैसी दिखाई देती है ऐसी नहीं, एक्चुअली शरीर जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है। ये तो कहेंगे कि बहुत ही सूक्ष्म परमाणुओं का बना हुआ है और वह कॉन्टिन्यूअसली वाइब्रेट हो रहे है ना, कोई चीज जैसे वाइब्रेट होती है ना, वो कॉन्टिन्यूअसली हमारी ऊर्जा वाइब्रेट हो रही है। उसमें दो प्रकार की एनर्जी है, लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी। जब आप अपने आप को शरीर समझते हो तो हम लो एनर्जी में आते हैं क्योंकि शरीर ही भारी है। जब ये समझते हैं कि मैं आत्मा हूं तो हम हाई एनर्जी में आते हैं कि जिससे हमें भी एकदम हल्का लगता है, औरों को भी आपके साथ एकदम लाइट, हल्का, पीसफुल लगेगा। तो लव क्या है कि वो एक तो
जो हाई एनर्जी वाइब्रेशंस है उस पे लेना है, और अभी इस स्टेज को अटेन करना है तो सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि अहंकार को खत्म करो। अहंकार को मार दो, अहंकार को जला दो, अहंकार को भस्मीभूत कर दो, उसकी राख भी बचने ना पाए तो बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमने अहंकार और स्वमान का भेद ही नहीं समझा है। अहंकार और स्वमान दो कहेंगे कि पोल्स अपोजिट है, साउथ पोल है नॉर्थ पोल है। स्वमान जरूरी है, अहंकार बिल्कुल आवश्यक नहीं है, है ना। लोग कहते हैं ना कि भी इतना तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना रोब, नहीं तो वैल्यू क्या। मैंने कुछ समय बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे ना, वो छोटी छोटी बातें आके मेरे को पूछो। मैंने कहा सर इसमें आपको नहीं लगता आपका टाइम वेस्ट होता है छोटी छोटी बातें? तो कहते डॉक्टर गिरीश फिर मेरा महत्व क्या है? जब लोग छोटी छोटी बातें आके मुझे, मेरी उसकी ना साइन लेने की होती थी कि छोटी सी भी चीज चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए तो मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा। और कारण क्या था कि मेरा नहीं तो मेरा इंपॉर्टेंस क्या है? बस यही हमारा प्रॉब्लम। जब आप समझते हैं कि भी मेरी वैल्यू और कुछ करे और मेरी वैल्यू डिसाइड हो, है ना, तो बहुत बड़ा आपने प्रॉब्लम किया कि आपके मन की स्थिति का कंट्रोल आपने और किसी को दे दिया। वो पपेट्स होती है ना ऐसे, कि लोग कुछ करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, कुछ नहीं करेंगे तो मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगा, मैं टेंशन में आ जाऊंगा। आज देखिए एक बच्चा भी 4-5 साल का होता है, वो चाहता है कि मैं अपने आप कपड़े पहनूंगा, मेरे को नहीं पहनाओ, isn't? तो बच्चा भी जब चाहता है कि मैं अपने आप इंडिपेंडेंट बनूं, तो हम तो बड़े हो गए, आज कहेंगे कि साइकोलॉजिकल लेवल पर हम इतने डिपेंडेंट हो गए लोगों पर। तो अहंकार को इसीलिए मारना है कि डिपेंडेंस को खत्म कर दो। मैं अच्छा हूं क्योंकि मैं आत्मा ही, मैं शांत स्वरूप, मैं आत्मा ही अपनी वैल्यू को जानता हूं। जब आप अपनी वैल्यू को जानते हैं ना, तो कोई जरूरत नहीं एक्सटर्नल चीज की, कैसे भी आप फटे हुए कपड़े पहन के भी जाओ यू विल फील गुड। चलिए थोड़ी हायर लेवल की बात है, आप शायद न भी कर पाओ अभी, भले हम ठीक ठाक कपड़े पहने, ऐसा नहीं कहता हूं कि फटे हुए कपड़े पहन के जाओ, परंतु कभी कभार जरूर ये करो कि एकदम सिंपल स्त्री नहीं किए कपड़े पहन के जाओ, देखो कैसा लगता है। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, बार बार वहां ध्यान जाता है, तो सोचो ईगो है कि मैं किस पर डिपेंड हो रहा हूं, लोग मुझे देखे मैं कैसा। कपड़े तो शरीर ढकने के लिए ना, दिखावे के लिए थोड़ी है। ऐसे ही चाहे आपके घर में फर्स्ट क्लास है ना 20 लाख का बेड होगा, आजकल होता है 20 लाख रुपए का बेड, परंतु तू भी कभी है ना पट में सो जाओ, देखो अच्छे से नींद आती है क्या, नहीं आती है तो ये प्रॉब्लम है मेरा। समझो आप हमेशा प्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो भी कभी है ना स्लीपर क्लास में भी ट्रैवल करो, देखो मैं कंफर्टेबली जा सकता हूं या नहीं, वहां नींद नहीं आई तो समझ लो ये प्रॉब्लम है ना, मेरी विजडम करेक्ट नहीं है। तो सुनो सचमुच कुछ करना है कि जिससे अहंकार को मारो, क्योंकि है ना अहंकार अपेक्षाएं निर्माण करता है, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो आपको दुख होता है, निराशा आती है, गुस्सा आता है, परंतु वही खत्म हो गया। और कब होगा?
जब ये पक्का होगा कि मैं वह दिव्य चेतना आत्मा हूं और मैं आत्मा भरपूर हूं, जो भी पुरुषार्थ कर रहा हूं, जैसे आज हम खूब मेहनत करते हैं कि भी अच्छा कमाए, अच्छा घर ले, ठीक ठाक घर होना चाहिए, परंतु इंटीरियर में आज आश्चर्य होता है कहीं बार कि भी 50 लाख तो फ्लैट के इंटीरियर में लगा दिए। जी जी ओके श्योर श्योर, इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग जवाब दो। ओके श्योर श्योर, हाँ अच्छा देखो अभी आपको जवाब देना होगा। हाँ हाँ, घर किस लिए है, किस लिए घर, हाँ कि दिखावा करने के लिए, हाँ रहने के लिए ना, तो आज क्या हो गया, दिखावे के लिए हो गया। हाँ खाना क्यों खाना है, हाँ खाना स्वास्थ्य के लिए या स्वाद के लिए, तो आज क्यों खा रहे खाना, तो क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, अभी आप बोलो, देखो भाई जी सही बोल रहे, नींद आ रही है। हाँ तो क्या हुआ, हाँ आज बीमारियां इतनी बढ़ गई क्योंकि स्वाद के लिए हम खा पाए। तो उसको रियल वे में हम समझे। अभी क्या, हर एक क्रिया, काइंडनेस, प्यार की जो क्रियाएं हैं, वो हमारे वाइब्रेशंस को बढ़ाती है। जो रियल प्यार है ना, वह तो आपको हल्का करता है, वह आपको लाइट करता है, और सच्चा प्यार है वह सदा के लिए शांति देता है, वो टेम्पररी शांति नहीं। प्यार है ना, वह कहेंगे कि एक दिव्य पोएट्री है, रियली उसको समझिए, और ऑटोमेटिक होगा, सिखाना नहीं है। भी प्यार के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, परंतु क्या करना चाहिए, अभी तक बताया उसके आधार से सोचो। सचमुच प्यार को डेवलप करना है, प्यार को बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए, बोलिए क्या, बोलो जोर से बोलो, नींद की बात है ना। हाँ सैक्रिफाइस ऑफ ईगो, और सबसे प्यार करो, और गिव एंड टेक, हाँ सबको माफ कर दो, और हाँ क्या, निस्वार्थ प्यार हो, वेरी गुड, और हाँ एक्सेप्टेड। देखो सबसे अच्छा है कि शरीर से न्यारे हो जाओ, शरीर से डिटैच हो जाओ, है ना। सतयुग की शुरुआत में सभी शरीर से डिटैच थे, तो इसके कारण मोह नहीं था। जब शरीर से प्यार आता है तो पहली तो बात आती है अटैचमेंट, मोह, भी शरीर से मोह, फिर अपने बच्चों से मोह, जो नजदीक के रिलेटिव्स है उनसे मोह, फिर शरीर से आता है तो काम विकार भी आ गया। और ये कब आया एक्चुअली, कि सतयुग और त्रेता में तो ऑटोमेटिक वह स्टेज थी कि आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ लविंग सोल, परंतु जब द्वापर युग की शुरुआत हुई और ये भूल गए कि मैं आत्मा हूं, परंतु उनको प्यार तो चाहिए था, शांति तो चाहिए थी, तो वह शरीर से प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। जब शरीर से प्राप्त करने की कोशिश कर लगे तो शरीर, मृत्यु होगा, कोई बीमार हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मोह आ गया। शरीर से प्राप्त करने की कोशिश करने लगे तो काम विकार भी आ गया, तो इसलिए वह एक डिवाइन स्टेट है और उसको हमें डेवलप करना है। और सच्चा प्यार क्या है, देखो 8 लिखेंगे ना, तो लिखते ही जाओ, लिखते ही जाओ, लिखते ही जाओ, उसका अंत आएगा ही नहीं, उसका एंड नहीं होता है ना, ठीक है। तो इट नेवर एंड्स।
भी सच्चा प्यार कब हो सकता है पता है? कि जब किस जब आप इनविजिबल थे ना, तब किसी ने आपको देखा, मतलब कि शरीर का नहीं कुछ भी। चलो माँ बहुत अच्छा कि भी माँ ने इनविजिबल था बच्चा तभी उसको देखा, या अदरवाइज भी तभी। हम सिर्फ माँ बाप नहीं हो सकते, भी औरों से भी हमारा प्यार होता है ना, मित्र हो सकते। तो वहां ऐसे कि नथिंग एक्सटर्नल, वह जो इनविजिबल आत्मा है उसके रिलेशन से प्यार, तो ऑटोमेटिक और सब चीजें हट जाएगी। सच्चा प्यार आएगा तो ऑटोमेटिक पेशेंस आता है। आज हम इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सच्चा प्यार नहीं है ना। कहेंगे कि भी सहनशीलता ऑटोमेटिक आ जाएगी। और आपने भी ये सुना होगा, आज एक बहुत बड़ा कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस। सुना है? किसने किसने सुना इमोशनल इंटेलिजेंस? अच्छा, क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? नहीं, इमोशंस को मैनेज करना, सिर्फ भावुक होना। और क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? क्या है बोलो बोलो? अच्छा, दैट कैन बी नो, कि ये अंडरस्टैंडिंग है इमोशनल इंटेलिजेंस की। क्या इमोशनल इंटेलिजेंस? हाँ बोलो। अपने जिसको हम प्यार करते हैं ना, उसके हम कोई गलती नहीं देखते, उसके हम कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ हम ये कहते हैं कि किसी तरह से, किस भावना से हर वक्त वो खुश रहे। वेरी गुड। और सबसे बड़ा प्यार है, प्यार की परिभाषा है वो तो मैं बहुत कुछ हूं नहीं, तो कुछ भी नहीं। वेरी गुड। इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बात हो रही है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो फाउंडेशन है वह है पेशेंस। एक है ना सरल सा प्रयोग किया गया कि जो स्कूल के बहुत सारे बच्चे, करीब 10,000 से ज्यादा स्कूल के बच्चे, अलग अलग स्कूलों में मैर्समेलो नाम की एक मिठाई होती है ना, सबको एक एक मिठाई दी गई। और मिठाई देने के बाद कहा कि अगर आप इसको नहीं खाएंगे आधे घंटे तक, तो आपको दूसरी एक मिठाई इनाम के रूप में मिलेगी। बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, नहीं देते तो चलता, लेकिन भी दे दिया आपने, आधा घंटा कैसे रुके। तो 80% ने तो खा ली, 20% रुके रहे, उसको छुपा दिया, कुछ भी किया, बाहर चले गए, लेकिन आधा घंटा मिठाई नहीं खाई, तो उनको दूसरी एक मिठाई रिवॉर्ड के रूप में मिली। और इससे दो ग्रुप बनाए गए और फिर 25 साल के बाद उनका संपर्क किया गया कि ये लोग क्या कर रहे। तो जिन्होंने मिठाई नहीं खाई थी, जिसमें वो पेशेंस थी, टॉलरेंस था, हाँ, तो वो तो बहुत सक्सेसफुल हो गए, बड़े बिजनेसमैन बन गए, बड़े डॉक्टर बन गए, बड़े इंजीनियर बन गए। और जिन्होंने खाई थी वह जेल में थे, सॉरी नहीं थे, लेकिन जो खा गए थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे। तो इसके आधार से इसको कहा गया है मैर्समेलो एक्सपेरिमेंट, कि पेशेंस बहुत जरूरी है। और वो ऑटोमेटिक आता है, जब आपके जीवन में प्यार है तो यह ऑटोमेटिकली आता है। वह इनर मोस्ट बीइंग जो है ना, वो लवेबल है, क्योंकि स्पिरिट इज लव, आत्मा ही प्यार स्वरूप है। तो जो इनर मोस्ट कोर है दैट इज लव। अच्छा लगा? हाँ या ना? अच्छा, हाँ। लव एसेंशियली क्या है? इट इज अ स्पिरिचुअल फायर। आज है ना, वो फिजिकल फायर है तो बहुत प्रॉब्लम है, अपने गुस्सा आता है, टेंशन हो जाता है, ईगो है, मारामारी है, बदला लेने की भावना है, काम विकार है। लेकिन रियली लव आ जाए तो व्हाट यू विल डेवलप इज अ स्पिरिचुअल लव। और स्पिरिचुअल लव होगा तो हम औरों को देते जाएंगे, ऑटोमेटिकली इक्वालिटी होगी।
बहुत कुछ बेनिफिट होगा, थोड़ा हम देखेंगे भी ना, कुछ एक्सपर्ट्स के बारे में भी हम देखेंगे। हाँ देखिए, कहते कि प्यार जो है वो बॉडी टाइप को, आपका चेहरा कैसा है, आपके पास कितने पैसे है ना, ऐसी जो बहुत सारी चीजें है, आपका स्टेटस क्या है, उसको देखता नहीं है। हाँ, सच्चा प्यार तो वो एसेंस है, जो बहन ने बहुत अच्छा बताया। सच्चा प्यार क्या है कि भी किसी की वीकनेस को आप जानते हो परंतु उसका एडवांटेज नहीं लेते हैं, है ना, उनकी जो कमियां है उसको भी जानते हो और आप उसे एक्सेप्ट करते हो। आज कहते भी बच्चों में भी ये साइकोलॉजी है, आज जो बच्चों के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चे जैसे हैं वैसे हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, रियली एक्सेप्ट देम एज दे आर। उनको कुछ सिखाना भी है, अग्रीड, लेकिन एक तो उस लेवल पर सिखाओ, ये भी दूसरा विषय, मैंने कहा बहुत बड़ा टॉपिक है, पेरेंटिंग इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। आज जो मैं समझ रहा हूं कि बच्चों को हम बहुत जल्दी सिखाना चाहते हैं, विच इज अ मिस्टेक, इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज। अभी हमारे ऑस्ट्रेलिया के मेरे एक पेशेंट थे, कहते मेरा बच्चा 7 साल का स्कूल में कुछ नहीं सिखाते, है ना, स्विमिंग करते हैं, खेलते हैं, हाँ, हमको तो 3 साल से बच्चे को सिखाना तो फिर उसकी जो नेचुरलनेस है ना वो खत्म हो गई है। वो नेचुरल होगा तो ऑटोमेटिक सीखेगा, कि मैं वर्नैक्युलर मीडियम में पढ़ा हूं, 5वीं कक्षा तक एबीसीडी भी नहीं सिखाया, 6th में आए तभी एबीसीडी सिखाया, लेकिन आज मैं कॉन्वेंट से भी अच्छा इंग्लिश बोलता हूं, है ना, तो जरूरी नहीं, फटफट फिर सीखते हैं बच्चे, तो वो टाइम आ गया और हमारे में था कि वी वॉन्ट टू लर्न, वी लर्न इट। तो ऐसे ये पक्का करिए कि एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। सच्चा प्यार क्या है, हाँ पढ़ रहे ना सब, पढ़ो जोर से, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ हाँ पढ़िए जोर से पढ़िए, हाँ हाँ हाँ, अंधेरा करना पड़ेगा तो, कि भाई आप जो थे अभी जो है और आप होने वाले हैं, फ्यूचर में भी आप जो भी होंगे, आई लव यू फॉर दैट। भी फ्यूचर में आप अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तब ये होगा कि भाई आई लव यू एज अ बीइंग, कोई स्पेशलिटी के कारण मैं आपको प्यार नहीं करता हूं। लव ग्रोज विदीन, इससे प्यार जब अंदर में पनपता है तो कहेंगे कि सुंदरता भी बना, क्योंकि ना वो ऑरा है। आप देखना कोई व्यक्ति को आप कभी मिलो, बहुत सुंदर है ना, अभी अभी ब्यूटी पार्लर में से आया है, परंतु आपको उनसे बात करने का मन नहीं होगा ना। कोई व्यक्ति बड़ा सिंपल सा है ना, ऑर्डिनरी कपड़े पहने, तो भी आपको लगेगा कि इनके साथ बैठ के 10 मिनट बात करे, ज्यादा समय बैठे तो अच्छा, इनकी बातों को सुनते रहे, इनके साथ इंटरेक्ट करते रहे। क्यों? क्योंकि वो अंदर में ब्यूटीफुल है, वो अंदर में उसकी ब्यूटी है, तो बाहर वो ऑरा है, और कोई चीज नहीं, एक्सटर्नल नहीं है, उसकी जो पीसफुल वाइब्रेशंस है ना, वो पवित्रता के वाइब्रेशन है, प्यार के वाइब्रेशन है, वह आपको आकर्षित कर रहे हैं। बहुत अच्छा, नेल्सन मंडेला ने बहुत अच्छी बात कही, और आप भी देखेंगे कि आप अगर 10 बच्चों को छोटे बच्चे समझो, 1.5 साल के 10 बच्चे, हाँ, अलग अलग धर्म के, एक काला है एक गोरा है ना, इसे सारे मिक्स कर दो तो क्या वो लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, हाँ क्या करेंगे, बोलो बोलो क्या करेंगे, है ना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, हंसेंगे एक दूसरे से, परंतु ये हैट्रेट सिखाया जाता है, जब वो बड़े होते हैं तब यह सिखाया जाता है कि दूसरा धर्म खराब है। कहते हैं कि जब पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो कई बच्चे एक्सचेंज हो गए थे,
ना गुम गए, जैसे हिंदू का बच्चा मुसलमान के घर में बड़ा हुआ है ना, फिर वो मिला, ऐसी कई स्टोरीज है कि फिर वो पता भी चला कि ये वही बच्चा है, उसको ले आए, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत टाइम लगा, वो सारी वो बातें सीख गया था ये ना, वो नमाज पढ़ना सीख गया था, उसको बहुत मुश्किल हुआ सिखाना। तो यह हेट्रेट सिखाई जाती है, ओरिजिनली नहीं है, ओरिजिनल तो लव है। तो लव को सिखाना इजी है या मुश्किल है? क्योंकि नेचुरल है ना, आर्टिफिशियल चीज को सिखाना मुश्किल हो सकता है, परंतु प्यार तो नेचुरल है, तो है ना, उसको सिखाना इजी है। तो क्या कहेंगे, नफरत को नहीं सिखाओ। और क्या नहीं सिखाओ, बोलो क्या नहीं सिखाओ, जोर से बोलो क्या, हाँ क्या, हाँ द्वेष करना नहीं सिखाओ, हाँ बदली की, हाँ घृणा करना नहीं सिखाओ, और क्या नहीं सिखाओ, बदले की भावना नहीं सिखाओ, हाँ माफ करना सिखाओ, वेरी गुड, और प्यार करना सिखाओ, वेरी गुड। और अब सचमुच ये बात को समझना इंटरनल है ना, तो ऐसे उसको देखना पड़ेगा। एक हमें स्पेशल वे में उस चीज को समझना पड़ेगा है ना, उसके प्रति ध्यान देना पड़ेगा, जैसे माइक्रोस्कोप में कोई चीज को देखते हैं, ऐसे ये डीप अंदर में दिन में सचमुच, और कुछ नहीं भी करो, सारे दिन में जब जब भी फ्री होते हो ना, थोड़ा इंटरनलाइज करके यह देखो कि अंदर में क्या हो रहा है। कहते सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस, हाँ सजगता। अभी सजगता क्या है ना, हाँ देखो हाथ को ऐसे करो, करिए करिए, थोड़ा दूर ले जाओ, नजदीक लाओ, कुछ हो रहा है हाथों के बीच में, कुछ हो रहा है, हाँ सेंसेशन हो रहा है, दिस इज अवेयरनेस। ये तो सूक्ष्म, इसको थोड़ा मुश्किल है, देखो अभी सिंपल कर रहा हूं, ये ना हमारे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा है, ये ऊर्जा ही आप बीमार नहीं, जितना ये सूक्ष्म ऊर्जा सर्कुलेट होगी आप बीमार नहीं होंगे। आज एक तो ये सूक्ष्म ऊर्जा की कमी है और दूसरा ये सर्कुलेट नहीं हो रही, इसलिए हम बीमार है। देखो टाइम कम है तो भी मैं आपको सिंपल सी युक्तियां बता रहा, अवेयर है, हाथ कैसे करो, एक एक ही बार अभी अवेयरनेस आपकी कहां कहां आपको फीलिंग आ रही है, आ रही है कहीं कहीं है ना, भले हमने एक्सटर्नली किया परंतु आया ना, और एक बार, और उसको फील करो, जहां वो प्रेशर आया और जो सेंसेशन हुई उसको फील करते जाओ, देखना धीरे धीरे वो कम होगी, वो कम होगी, लेकिन उसको फील करते जाओ। को दूसरी एक युक्ति बताता हूं अवेयरनेस को बढ़ाने की, हाँ कान में उंगली डालो, हाँ फिर आंखें बंद करना और सुनना, अंदर में आवाज आएगा आपको, हाँ देखना, हाँ किया आया, सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है, हाँ तो उसको, हाँ जो हमिंग साउंड है, हाँ देट इज ऑल्सो समथिंग इंटर, ऐसे तो नहीं था, इसे देखो तो आपको आवाज नहीं आ रहा है, वेन यू आर पुटिंग फिंगर्स तब वह आवाज आ रहा है, तो अंतरंग में है। ऐसे सब चीजों के बारे में अवेयर हो जाओ, आप सांस ले रहे हैं अवेयरनेस के साथ सांस लो, अभी बैठे हैं अवेयरनेस के साथ बैठो, हमने पूरा एक्सरसाइज प्रोग्राम डेवलप किया जिसको कहते हैं अवेयरनेस एक्सरसाइजेस, यूट्यूब में भी है, यूट्यूब में आप टाइप करेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल तो शुरू में ही आ जाएगा, 7-8 में आ जाएगा आपको वो पूरा, 1.5 घंटे का एक्सरसाइज का प्रोग्राम है, वो एक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, अच्छी सी एक्सरसाइज मिलती है, परंतु वहां ऑब्जेक्टिव है कि अवेयरनेस को मेंटेन करना,
दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जैसी क्रियाएं ऐसे पॉजिटिव थॉट्स दिए गए, तो एक्सरसाइज करते करते पॉजिटिव थिंकिंग भी हो रहा है। तो ऐसे एक सूक्ष्म चीज को अपनानी है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, वेयर देर इज लव देर इज लाइफ, और सच्चा प्यार अब तक समझ गए ना, वह है तो देर इज लाइफ। हाँ भी जो सच्चा प्यार है उसको वो मिलेगा नहीं, उसको बिल्ट करना पड़ेगा। सतयुग में ऑटोमेटिक था, अभी कलयुग में क्योंकि हम 180 डिग्री अपोजिट हो गए तो हमें उसको समझदारी से डेवलप करना होगा। इसको भी समझ, हम सिर्फ अपने इमोशंस नहीं है, हम केवल अपने विचार नहीं है, हम अपनी फीलिंग्स नहीं है, वी आर मच मोर देन दैट। या तो ये कहेंगे कि मैं वो ऊर्जा हूं जो इमोशंस को क्रिएट करती है। आज न्यूरोसाइंटिस्ट भी मानने लगे कि सिर्फ ब्रेन ही इमोशंस को क्रिएट नहीं कर सकता, देयर इज समथिंग एल्स। योर फाउंडेशन को याद रखो कि मैं व्यक्ति नहीं शक्ति हूं। क्या बोलो? सबने नहीं बोला, सभी बोलो। अभी भी सबने नहीं बोला, मैं ढूंढ रहा हूं, सबका आवाज नहीं आएगा, आपको बोलना ही पड़ेगा। बोलो हाँ, और जोर से, और एक बार। वेरी गुड, क्यों सिखाए बच्चों की तरह? क्योंकि ये फाउंडेशन, इसको पक्का करना है। आई एम मोर देन माय इमोशंस, मैं ऊर्जा हूं जो इमोशंस को क्रिएट करती है। कि भाई पावर एंड फ्रीडम ऑफ रियल लव। आज जो सारा एक्सटर्नल हो गया, क्यों मालूम? हमको पावर चाहिए ना, सबको पावर चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए। पर क्योंकि एक्सटर्नल हुआ तो प्रॉब्लम हो गया, अगर इंटरनल होगा, रियल लव आएगा, तो ऑटोमेटिक रियल लव इज पावर, रियल लव देर इज फ्रीडम। आप भी फ्री होंगे, औरों को भी फ्री करेंगे, है ना। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स फैमिली थेरेपी के लिए आते, उनमें यही बात एक सिंपल समझ में आ जाती है कि भी वो व्यक्ति ज्यादा पजेसिव है। बोलते भी है कि भी हमको ये स्पेस नहीं देते, 24 घंटा हमारे साथ रहे। अभी हर एक व्यक्ति को स्पेस चाहिए, वो कब होगा? जब उसको फ्री करेंगे। और ये फंडामेंटल एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, उसको अच्छे से समझ लो कि कोई व्यक्ति वस्तु वैभव आपका है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, और आपका नहीं है, आप कितनी भी मेहनत करो आपको मिलेगा। तो इसलिए आप उसको छोड़ देंगे तो वह चीज आपकी है, तो ऑटोमेटिक आपके पास आएगी। सिर्फ हमें वो एक इंटरनल डेवलप, एक सेकंड भाई जी, मुझे वो एक इंटरनल डेवलपमेंट करना है। जी सर। स्पिरिचुअलिटी अभी आप बताओ, नहीं आप बताओ, मैं आपको प्रश्न पूछता हूं। प्लीज कम हियर, कम हियर, कम 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 कम, आगे आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आइए आइए, प्लीज स्टेज पे भी आ जाओ, आइए आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, हाँ चप्पल निकाल के आना, माइक दे दो, अभी मैं आपको प्रश्न पूछता हूं। जी जी भाई जी, माइक दे सकेंगे? मेरा माइक दे, बताइए एक्सीडेंट क्यों होते हैं?
नहीं नहीं वेट वेट वेट, एक्सीडेंट क्यों होते हैं? ऐसे रहो, मैं नजदीक लाऊंगा, यू डोंट वरी, आई विल पुट। एक्सीडेंट क्यों होते? देयर आर मेनी रीजंस। हां, अभी इंपॉर्टेंट रीजन बताओ। वन इज स्ट्रेस। हां, और सिंस यस्टरडे, और एंड और रोड सेफ्टी। नहीं नहीं, सेफ्टी नहीं, रोड सेफ्टी बरोबर, एक्सीडेंट क्यों होते, कारण बताइए। मेंटल स्ट्रेस एंड द मैकेनिकल प्रॉब्लम ऑफ द व्हीकल, रोड प्रॉब्लम, एस्पेक्ट्स आर देयर, रोड प्रॉब्लम, रोड प्रॉब्लम्स, देन लैक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, रोड लॉ। ये नहीं, एक्स्ट्रा, जैसे भी ना, मैं डॉक्टर हूँ तो भी कोई बोलेगा कि ये सारे फिजिकल कॉज है, हार्ट डिजीज क्यों हुआ, फिजिकल कॉज है। लेकिन आज डॉक्टर एज अ मेडिकल, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन सेफ्टी, बट आई नो कि आज हार्ट डिजीज के फिजिकल कॉजेज बोलते साइड में रख दो, ओनली 10% आर फिजिकल कॉजेज, 90% आर साइकोलॉजिकल कॉजेज। तो ऐसे एक्सीडेंट के भी आई वुड से 10% इज ऑल दिस फिजिकल थिंग्स, 90% आज देखो ना, दिल्ली में हुआ है ना, जरा टच की बाहर आया, शूट कर दिया। हमारे मृत्युंजय भाई को हुआ था, जरा सा टच हुआ, आया उसने गन से उड़ा दिया उसको, उसके ड्राइवर को यहां से यहां गोली चली गई। सो दीज आर द फैक्टर्स, ईगो इज अ बिगेस्ट फैक्टर सर। वो क्या बोलता है, सर, आई हैव सीन, वेट वेट, मैंने देखा है कि एक बार ना अच्छी गाड़ी जरा स्क्रैच हो गई, उसने ऐसा हल्ला मचा दिया, आई वॉज ऑन द रोड, आई गॉट डाउन, उसको मैं समझा, तो बोलता है साहब मैं मर जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन मेरी गाड़ी को स्क्रैच नहीं लगना चाहिए। My request is thing. Is this ये सिखाना है, वो सब तो आप लोग सीख चुके हैं, आप सिखा रहे हैं। We also want to tell you something, but this is something which you don't know. My request is this, sir. Okay, I came with so much of interest from South India, and we don't know all Hindi. Since yesterday I was telling, we are not, subject is very good, but we are not able to follow the essence of it. That is one problem. The second problem is that being a national conference, it is called, and various parts of the country people have come, and relating to that, if the focus is given, my request is that, I thought like this. And focus, sir, and focus, we are, nee, sometimes nee, we are getting deviated, what I feel. I am telling you, ek saal, sari government focus kar lo, ki bhi pyar develop karo, India mein 50% accident kam ho jayenge. I can give you so guarantee. नहीं, आपका जो भी स्टेटस है ना, सब गवर्नमेंट को बोलो कि भी प्यार सिखाओ। Discussion here, problems, identification of the problems, what will be the solution for that as far as spiritual education is concerned. वही तो कर रहे हैं। That should be the focus of this conference. सर जी वही कर रहे हैं। But for the last 2 days, I have waited, waited. I could not able to keep quiet myself, and I am bringing to your notice. Okay. चलो, how many are satisfied? Please raise your hand. I am also satisfied. तो फिर I am also, but I want to tell. Sir, you are getting up now for some other reason. I am telling you psychologically. आप जो बार बार खड़े हो रहे हैं और कोई कारण से खड़े हो रहे हैं. हाँ, that is true too. Translation is going on. Translation. आपके पास माइक, सर आपने माइक नहीं लिया. कि ट्रांसलेशन किसको किसको मिल रहा है? एनीबडी इज गेटिंग ट्रांसलेशन? हाँ, नहीं नहीं, तो उन्होंने लिया नहीं, वो माइक, वो है ना ट्रांसलेशन का जो माइक है ना, वो लिया नहीं। ओके, चलो, थैंक यू। हाँ, ओम शांति। सॉरी ब्रदर, आई हैव हर्ट योर फीलिंग। अच्छा, वो फिर चेंज हो गया। एंड हो गया ऑलमोस्ट। यस, या दैट वाज लास्ट वन। ओके, अच्छा, पीछे नहीं जाएगा, दैट वाज लास्ट ओनली। ओके, अच्छा हुआ, चलो, साहब भी खड़े हुए ना, लास्ट में खड़े हुए। राइट, ओके, जी, अच्छा, कैसा लगा? अभी एक काम कर रहा है, नहीं नहीं अभी रियली टू लर्न, इफ यू रियली हैव लर्न, तो बस थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, 7 मिनट का टाइम है ना, एक काम करेंगे,
नहीं नहीं क्वेश्चन अभी बात नहीं लेंगे, इट शुड बी रिवाइज नाइसली, है ना। क्वेश्चन आंसर का स्पेशल सेशन है, देयर इज अ होल सेशन ऑन योर क्वेश्चंस, क्योंकि क्या है कि हर बार करेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन है नेक्स्ट नो नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हो जाएंगे। सेफ्टी पे भी एक पूरा सेशन है, दिस टॉपिक्स आर अनाउंस्ड आई सपोज, वो फोल्डर में शायद ये टॉपिक्स अनाउंस थे। ओके नहीं, अभी एक काम करना है, बस एक डेढ़ मिनट शांति से बैठो और जो बातें मैंने बताई उसमें से तीन पॉइंट को याद करो, एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स। हाँ मैं आपको पूछने वाला हूँ, एवरीबडी शुड रिमेंबर एटलीस्ट थ्री सिंपल पॉइंट। तीन स्लाइड्स नहीं, मैंने बहुत कुछ बोला, उसमें से तीन पॉइंट को याद करो। ओके क्लोज योर आईज, एनी थ्री पॉइंट्स प्लीज ट्राई टू रिकॉल। ओम शांति। हाँ तीन पॉइंट याद किए, हाँ बताओ क्या क्या याद आया। या से ओके से माइक है, माइक दो तो खड़े हो जाओ, खड़े जो एक एक बात भी याद रहे, यू नो इट्स अ वंडरफुल थिंग। आज उठना नहीं भाई जी, आप दिस अ वंडरफुल, दिस फाइव अनदर फाइव मिनट्स विल रियली बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस सेशन, जिसमें हम पूरा रिवाइज करने। हाँ पेशेंस, इट्स वन। हाँ और कुछ याद आया, वंडरफुल। हाँ और आप बोलो बोलो, एक पॉइंट बोलो। हाँ फिर तो ओपन करेंगे, खड़े हो जाओ, माइक हो तो भी दे दो। हाँ वो स्पिरिचुअल है, करेक्ट। नीचे जाएगा ये, इट विल गो डाउन, नो ओके। हाँ ठीक है, हाँ हाँ प्यार किसी की कमी नहीं देखता है, लव इज स्पिरिचुअल फायर, वंडरफुल। नेक्स्ट, खत्म हो जाएगी, ग्रेट। लव इज फ्रीडम, बदल देता है, वंडरफुल। अभी ओपन करते हैं, बोलो अजय, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। लव इज नेचुरल, हाँ हाँ, लव को मेल्ट नहीं होना चाहिए, ग्रेट। हाँ और एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, प्यार देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता है। हाँ ईगो को खत्म करो तब प्यार डेवलप होगा। हाँ लव इज लाइफ, हाँ नहीं नहीं ध्यान से सुनो, पूरा रिवीजन है आपको, जो याद नहीं था आप ये सोचो कि उनको कैसे याद है, मुझे याद नहीं है। हाँ वॉट यू नीड इज अनकंडीशनल लव। हाँ और कुछ, हाँ बेटे यंगर वन, हाँ क्या नहीं ओके, हाँ जो जैसे वैसे एक्सेप्ट कर, हाँ वो बाद में भी, अभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जला दो, खत्म कर दो, ग्रेट वंडरफुल, ग्रेट। हाँ देखो ताली बजा दो, डेवलप पेशेंस, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और कुछ, हाँ सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट है, हाँ डिटैच बॉडी से, डिटैच हो जाओ, आत्मिक स्मृति को लाओ, और पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर की चिंता नहीं करो, प्रेजेंट को इंजॉय करो, तो सर सेफ्टी हो जाएगी जी। हाँ फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज, हाँ और कुछ, हाँ हाँ या जो उनको पसंद है, एंड देयर इज अ वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। हाँ तो लव इज ब्लाइंड ऐसा इसलिए कहा गया, इसीलिए कि वो कुछ देखता नहीं है,
वो फिजिकल चीज को नहीं देखता है, अंधे व्यक्ति को नहीं दिखता है ना, ऐसा वो भी नहीं देखता है। सिर्फ जब हम कहते हैं लव इज ब्लाइंड, तो कहीं जो नेगेटिव पहलू है उसको थोड़ा ठीक करना है जी। और एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, लव इज लाइक एट विच नेवर एंड्स, ऐसा ही कुछ बोलो। हाँ जो देख, हाँ लीव योर बैड मेमोरीज, हाँ हाँ कुछ लव को बिल्ड करना पड़ेगा। वंडरफुल, ओके ठीक है चलो। हाँ आओ, एक दो मिनट है। ऐसे एडवर्स लोगों को इसलिए दे रहा है क्योंकि आप प्यार को सीखो। हाँ और कुछ, गुड गुड, आप बजाइए ताली। एक्सेप्ट एवरीवन एस दे आर, हाँ लव इज मोर देन डिवाइन पोएम, हाँ ऐसा ही कुछ प्लीज। हाँ रियल लव में डिसअपॉइंटमेंट और एंगर नहीं है, ग्रेट। ओ वंडरफुल, ओके चलो, अच्छा लगा ना। हाँ अभी देखो, ये एक फाइनल स्मॉल थिंग, कहते हैं कि जो हम सुनते हैं वो भूल जाते हैं, परंतु जो हम रिपीट करते हैं वह 50% याद रहता है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक सेकेंड, क्या करना चाहिए, रिपीट करो। क्या, हाँ श्योर श्योर, क्योंकि उसका ऑटोमेटिक है ना, आंख वाले को एफर्ट करनी पड़ती है, जो ब्लाइंड है उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। ग्रेट, हाँ हाँ, तो देखो रिपीट करो, क्योंकि अभी जो सुना भूल जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके, अभी जैसे भी एक्सरसाइज का एक सेशन होगा तब रिपीट करो इस बात को भी, उसको भी सुनो, लंच ब्रेक के समय रिपीट करो। फिर कहते हैं कि जो हम रिपीट करते हैं वो 50% याद रहता है, परंतु जो औरों को सुनाते हैं वो 80% याद रहता है। तो क्या करना चाहिए, जाएंगे तब तो सुना नहीं, अभी भी सुनाना शुरू करो, मोबाइल है सबके पास, अपनी ऑफिस में फोन करके सुनाओ कि देखो ये सेशन हुआ, ये अच्छी अच्छी बातें बताई, घर में सुनाओ, उनका नंबर होगा ना, आपको तो फोन करना है ना, घर में भी तो उनके पास फोन है ही है। नहीं जस्ट आई एम सेइंग, घर में सुनाओ, वहां जाएंगे तो सुनाना है ना। आप अपनी ऑफिस में कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग भी देते होंगे, है ना, इंटरनल फैकल्टीज होती है ना, आप इंटरनल फैकल्टी बन जाओ एंड स्टार्ट टीचिंग अदर्स, एंड व्हाट यू प्रैक्टिस यू रिमेंबर 100%। तो क्या करना है, क्या करना है, बोलो बोलो, बोलते नहीं है सब, प्रैक्टिस। सचमुच अभी से यहां से स्टार्ट कर दो, छोटी सी बात से, नहीं प्रैक्टिस करते गए तो ऑटोमेटिक वो चेंज आ जाएगा। अच्छा बस अभी 5 सेकेंड मेडिटेशन करके, हाँ फिर आगे अनाउंसमेंट भी होगी, 5 सेकेंड बस जरा रिलैक्स करो, इंटरनलाइज दिस थिंग्स। ओम शांति। आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं समझता हूँ लेक्चर के साथ साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन भी एंजॉय किया होगा। इट वॉज नॉट ओनली लेक्चर, इट वॉज ए वंडरफुल इंटरेक्शन ऑल्सो। सभी को पसंद आया इंटरेक्शन?